نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد عاذ الله. صلوات. لائق عزت احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ سخن دربارہ حدیث قصا جاری و ساری ہے، اور یہ بات کل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنے کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار عالم نے اپنی ساری مخلوقات کو خلق کیا، مگر ان میں کچھ ایسے خلق کیے کہ جن کو خلق کرنے کے بعد کہا ہم نے انسان کو خلق کیا. اب تلاش کریں کہ انسانوں میں کون ایسے ہیں کہ جو ایسے ہوں کہ جن کے بعد، جن کے خلق کیے جانے کے بعد پروردگار عالم کا فخر کرنا بنتا ہو. بہت سارے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، جمادات کو خلق کیا، نباتات کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا، ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، جنات کو خلق کیا، کائنات کی ہر شے اللہ نے خلق کی، مگر کہیں پہ بھی فخر نہیں کیا. انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا خلق الانسان ضعیفہ، وہ انسان کے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ انسان کے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفہ. جاؤ جا کر دیکھ لو کہ ہم نے یہ انسان کے جو حضرت انسان اشرف المخلوقات صاحب عقل و فہم و فراست و رشد و عقل، یہ انسان ضعیف ہے. کون سی کیٹیگری ہے جو ضعیف ہے، اور کون سی کیٹیگری ہے جس کو خلق کرنے کے بعد کہا انا خلقنا الانسان، ہم ہیں کہ جس نے انسان کو خلق کیا. تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو یہ ایسے تھے کہ جن کا خلق کیا جانا پروردگار عالم کو پہچانوانے کے سبب بن جا رہا ہے. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، یہ زیارت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام
के जुमले हैं। ज़ियारत अलैकुम सलाम, ज़ियारत जामिया कबीरा, बिकुम युसलको इला रिजवान, आपके जरिए से हम रिजवान तक पहुंचे। भाई क्या है रिजवान? अल्लाह की रिजाएं, उसे रिजवान कहते हैं। खुदा की रिजा, रिजा मजदर है, और एक मजदर इस तरह से भी बनता है अलिफ और नून जायदतान लगाने के बाद, जब वो रिजवान बन जाता है तो मजदर वाले ही माना देता है रिजा। अब ये यहां पर रिजा क्यों नहीं कहा और रिजवान क्यों कहा, एक अलग बहस जो की जा सकती है, लेकिन आप खस्ता हो जाएंगे, और जितना हो सके बात अहले बैत के फजाइल ही पर हो तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि यह मिंबर उन्हीं की अमानत है, यह मिंबर उन्हीं के जिक्र की जगह है। इस मिंबर पर आने के बाद ऐरे गैरों का जिक्र नहीं, अल्लाह वालों का जिक्र होना चाहिए। तो यहां बिकुम युसलको इला रिजवान, आपके जरिए से अल्लाह की रिजाएं मिलती हैं। इसीलिए तो जब किसी ने मस्जिद नबवी में देखा कि अल्लाह का रसूल, कायनात की वजह खिलकत नबी, रहमते कुल जहां, दो जहां नहीं, रहमते दो जहां नहीं, रहमते कुल जहां, जब देखा किसी ने कि बेटी आ रही है, रसूल कायनात का खड़ा हो गया, उठकर अपनी बेटी की तरफ गया, अपनी बेटी का खैर मकदम किया, उसके साथ साथ कदम ब कदम मिलाकर चल रहा है, अपने करीब लेकर आया, वह अजलसहाफी मजलिस ही, जहां खुद बैठे थे वहां फातिमा को बिठाया। क्या सुन रहे हो जीरो, क्या सुन रहे हो? मुझे नहीं मालूम और आप क्या सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो यही बयान करेंगे भाई। क्या कहा? आप अपनी बेटी का एहतराम कर रहे हैं। रिसालत बाब ने कहा नहीं, ये जो तुमने अब सवाल कर लिया है, फातिमतो मन, जिसने बीबी को राजी किया, जिसने फातिमा को राजी किया, उसने खुदा को खुश किया। वमन यग़ज़िबुहा, उसने परवरदिगार आलम को नाराज किया, यानी कि फातिमा वो कि जिसकी रजा अल्लाह की रजा है और जिसका गजब अल्लाह का गजब है। अब अजीजो, ना तुम्हारी अपनी कोई मोहब्बत होनी चाहिए, ना अपनी कोई नफरत। अगर नफरतें और मोहब्बतों का मेयार करार देना है तो उस मेयार पर दो कि जिस मेयार पर कायनात का रसूल सिखा गया, बतला गया कि अगर मैं इस बीबी का एहतराम कर रहा हूं तो यह ना समझना कि अपनी बेटी का एहतराम कर रहा हूं। अरे फातिमा की रिजाओं में अल्लाह की रिजाएं पोशीदा है, अगर यह खुश हो जाए तो खुदा खुश हो जाता है, यह किसी से नाराज हो जाए तो खुदा नाराज हो जाता है। अब अपनी निगाहें फातिमा जहरा पर टिकाए रखना, जिससे यह राजी हो जाए उससे खुश हो जाना, जिनसे यह गजबनाक हो जाए उनसे नफरत रखना, उनसे नफरत रखना। अच्छा, अब इसलिए कि जहां तक बात मोहब्बतों की आती है सब साथ चलते हैं, जब नफरत की आती है तो कहते हैं ना 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 ना, किसी को कुछ ना कहो, सब ठीक है। भाई सब ठीक कैसे हो सकता है? हाय, इधर सुनने के लिए बैठे हैं या मैं मौजू तब्दील करूं? सुनने के लिए बैठे हैं अजीजों, आ तो फिर सुनिए, अगर सुनना है तो फिर वैसे सुनिए जैसे सुना जाता है। अगर सब ठीक है तो अगर मैं झूठे को सच्चा कहूं तो सच्चे को क्या कहूं? अगर मैं झूठे को सच्चा कहूं तो सच्चे को क्या कहूं? अगर मैं खयानत करने वाले को अमानतदार कहूं तो अमानतदार को क्या कहूंगा? अगर मैं चोर को रखवाला कहूं तो हिफाजत करने वाले के लिए मेरे पास क्या लफ्ज बाकी रहेगा? अब अगर मैं क्या कहूं अजीजाने मोहतरम, अगर मैं गैर मासूम को मासूम समझूं तो फिर मासूम को पुकारने के लिए मेरे पास कौन सा लफ्ज रहेगा? सलावत वाला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब जो इमाम नहीं, अगर उसे मैं अपना इमाम कहूं तो फिर इमाम को पुकारने के लिए लफ्जे कहां से लाऊंगा? क्योंकि मैं तो इमाम के लिए जो लफ्जे लेकर आऊंगा वो तुम उनके लिए लगा दो,
जो उसका अहल नहीं है। तो अब आप ही बता देंगे क्या किया जाए। फातिमतो बज़अतु मिन्नी, अल्लाह ने इन हस्तियों की मारिफत अपने हबीब को हुक्म दे दे के करवाई है, और अल्लाह के हबीब ने हर मरहले पर इन हस्तियों को पहचनवाया है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी महफिल नहीं, कोई ऐसा इज्तिमा नहीं कि जहां पर अल्लाह के हबीब ने इज्तिमा को जमा ना किया हो, जमा किया हो और उसके बाद अली की फजीलत का बयान ना किया हो। कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। और जाकर देख लिया, मैंने ये जुमला कल अर्ज किया था मोमिनीन की खिदमत आलिया में कि जुल अशीरा से लेकर गदीर तक, हत्ता के जहां अली नहीं थे, जिस इज्तिमा में अली नहीं थे, वहां पर भी अली को याद किया रसूल ने और हुक्म हुआ कि 39 रातें हो गई हैं और बड़े बड़े दावे करने वाले कोई काम ना आ सका, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मोहम्मद को। ये सीगा अमर है, कमांडिंग टोन है, जाकर नहवे अरबी में चेक कर लीजिएगा, नाद अली अन मसर अल अजाइब। ए रसूल कहिए नाद अली अन मसर अल अजाइब, तो तजिद हो अन अल्लाह का फिर नवाइब, आप उस अली को पाएंगे नायब किस्म की मुश्किलात में मदद करने वाला, अजीबो गरीब नई नई मुश्किलात में मदद करने वाला, कल तक जिस मुश्किल का नाम भी नहीं सुना था आज आ गई, अली को पुकारो मुश्किल हल हो जाएगी। औन अल्लाह का फिर नवाब, कुल हम मिन वगम मिन सयंजली, हर हम और गम दूर हो जाएगा। सयंजली सयंजली सोफाजली नहीं बोला है, सयंजली बोला है, यानी कि यहां तुमने कहा या अली, अली की या खत्म ना होगी, मुश्किल दूर होगी। कमाल हमारे आपका नहीं है, कमाल अली के नाम का है। जब अली का नाम इतना बुलंद है तो जात अली का क्या मुकाबला हो सकता। अच्छा, तो हम क्या अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह ने इनके फजाइल पढ़वाए। अब जब अल्लाह ने इनके फजाइल पढ़वाए, रसूल ने मैदान खैबर में भी मदीना की तरफ रुक करके कहा, जब हुक्म आया नाद अली, तो फिर रसूल ने क्या किया, रसूल ने फिर क्या पढ़ा, रसूल ने मदीना का रुख किया और ये जुमले इरशाद फरमाए, या काहिर अल अदुवे या वाली अल वली या मुजहिर अल अजायब या मुर्तजा अली। और जैसे ही अली कहा है, रसूल ने वहां मदीना में अली हरकत में आ गया। ये शान इताअत व बंदगी अली इब्ने अबी तालिब है, यहां अल्लाह इरादा करता है यहां अली हरकत में आ जाता है, यहां मुस्तफा पुकारता है वहां अली हरकत में आ जाता है। मगर ये तो अली है ना, हम और आप अली जैसे तो नहीं, या है, या हमारी नमाज है अली जैसी, किसी के नमाज देख के अली तो याद नहीं आता ना भाई। तो अब हमें ये देखना है कि हमने क्या बनना है या किसकी तरह से कोशिश करनी है, कहां तक पहुंचना है, शायद वहां तक भी रसाई ना हो। कंबर जैसे अली बैठे हैं पुश्ते नाका पर, तो फौरन अली का दामन थामा कंबर ने, मौला ने पूछा कहां जा रहे हो, कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो आपका दामन थामा है, मेरा मौला जहां जहां जाएगा उसका आका भी वही वही जाएगा। तो वो कसीदा के जो रिसालत माब ने अहले बैत का पढ़ा, वो आपने हर मैदान में देखा। अब वो कसीदा, वो मनकबत, वो फजाइल कभी आपने मैदान गदीर में देखे, कभी आपने जुलशीरा में देखे, कभी आपने खैबर खंदक में देखे, कभी आपने कहां देखे, कभी आपने कहां देखे, कोई महफिल अली के जिक्र से खाली नहीं है, जाकर उठा लीजिएगा। लेकिन अजीदान मोहतरम, एक कसीदा है जो अल्लाह ने पढ़ा है अहले बैत की फजीलत का, और वो कसीदा पढ़कर जिब्रील को याद करवाकर, जिब्रील को अमानत देकर दो चीजों के साथ जमीन पर भेजा, कहा जिब्रील ये मैं अहले बैत की फजीलत पढ़ता हूं, याद कर ले, मेरे हबीब को जमीन पर जाकर सुना दे, और याद एक अमानत आयत की अपने साथ लेकर जा, और ये आयत भी रसूल को इनायत कर दे मेरी तरफ से। और वो क्या जुमला था, वो जुमला यही था, इन्नी मा खलक तो समा अम्बरिया,
वला अर्जन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुदिया वला फलक यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलक यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसत लजीन हुम तहतल किसा। ए जिब्रील जाओ और जाकर कहो इन्नल्लाह युक्रिउक अस्सलाम व यखुस्सुका बित्तहियत वल इकराम व यकूलु लका व इज्जती व जलाली। ए रसूल खुदा, अल्लाह कहता है उसने आपको सलाम भेजा और अपनी रहमतों को आपसे मखसूस करता है। मैं कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कुछ तफसीली फजाइल इसी एक जुमले के लिए सुनाऊंगा, कल, आज नहीं। और वो कहता है कि मैं सारी तहियतें, सारा इकराम, सारा एहतराम आपके नाम करता हूं। वयकुलु लका, और आपसे कहता है, वयकुलु लका आपके लिए कह रहा है, व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत और जलालत की कसम। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जो मुख्तारे कुल है, कि जो रब्बुल अरबाब है, अरबाब का रब है, वो कह रहा है इन्नी मा खलक तो समाम मबनिया, ये जो टिका हुआ आसमान है मैंने नहीं बनाया, वला अर्जन मधिया ये जो बिछा हुआ फर्श है मैंने नहीं बनाया, वला कमरन मुनीरा ये जो चमकता हुआ चांद है नहीं बनाया, वला शमसन मुजिया ये जो जगमगाता सूरज है ये मैंने नहीं बनाया, वला फलकन यदूरो और ये जो हवाएं चल रही हैं ये मैंने नहीं चलाई, वला बहरन यजरी ये दरिया मैंने नहीं बहाए, वला फुलक यसरी और मैंने ये कश्तियां पानी में नहीं जारी की, नहीं चलाई, इल्ला सिवाय ये, इल्ला से पहले इनकार, इल्ला के बाद इकरार। इल्ला क्या चीज है? ये वो हर्फ इस्तिस्ना है, इस पर एक मुस्तकिल गुफ्तगू हो सकती है मगर उस तरह नहीं जाएंगे अभी हम। लेकिन इल्ला, इल्ला से पहले ये नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, इनकार ही इनकार है। चांद बनाने का इनकार है, सूरज बनाने का इनकार है, जमीनें बिछाने का इनकार है, हवाएं चलाने का इनकार है, कश्तियां चलाने का इनकार है, दरिया बहाने का इनकार है, रात और दिन खल्क करने का इनकार है, पहाड़ खल्क करने का इनकार है। इल्ला के बाद इकरार ही इकरार। अब जितनी चीजों का इल्ला से पहले इनकार है, इल्ला के बाद एक जुमले में मुख्तस करके, मुनहसिर करके, मुकय्यद करके बता दिया ये सब कुछ इनकार था। अगर ये पांच जमा न होते कि जो चादर के नीचे आके जमा हो गए हैं, ये सब कुछ मैंने इनकी मोहब्बत में बनाया, सब कुछ मैंने इनकी मोहब्बत में। ये सब कुछ, जो कुछ इल्ला से पहले इनकार था, अगर ये पांच ना होते तो इकरार ना होता, अगर ये पांच ना होते तो ये इनकार ही रहता। अगर ये इकरार हुआ है, अगर ये वजूद में आया है, कौन है वजह? ये बरे, ये जो इस चादर के नीचे पांच है, बस और बस। और ये बस और बस मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, ये कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, लेकिन अभी तो इस ये मंजिल दूर है। हमने तो अभी आगाज किया है हदीस किस्सा का, अभी तो रिसालत माब अपनी बेटी की खिदमत में आए और आने के बाद कहा है अल्लाह ने, अल्लाह जिसे सलाम करे वो मोहम्मद, और मोहम्मद जिसे सलाम करने के लिए रोज दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए उसे फातिमा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। अच्छा, अब सलाम तो किया है और सभी ने सलाम किया है, जितने आए हैं अफराद पंजतन, पंजतन की जितनी भी फर्दें आई हैं, हर फर्द ने सलाम किया है, और जिस अंदाज से सलाम का जवाब आया है कोई पढ़ने के काबिल है और उसे महसूस करने के की ज़रूरत है। अकेले में बैठा करें, घर में हदीसे किसा खोला करें और अरबी पढ़ें, अरबी से आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ये जो कहते हैं कि तर्जुमा नहीं पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं, ये सारी बातें छोड़ दें, अरबी पढ़ें आपको समझ आएगी। और मैं हदीस किस्सा की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों पर ये आप नहीं अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और कह देगा आज से मौलाना ने कहा भाई अरबी के अलावा और कोई चीज़ नहीं, भाई बस इतना फ़र्क है, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा फ़र्क है अरबी और तर्जुमे के दरमियान कि तर्जुमा इंसान का किया हुआ है और अरबी मौला की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई है, बस इतना सा फ़र्क है, तो हमने उसे इतना सा बना दिया है। लेकिन बल्कि इतना सा नहीं बनाया,
इमाम के लफ्जों से आगे तर्जुमे को ले गए। जब ही तो कहने कि तर्जुमा नहीं पढ़ा तो फायदा ही नहीं, अरबी पढ़ लो फजूल की अरबी। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहने वालों ने खुद बंदा हकीर को आकर ये कहा है। अब हम समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें क्या ना दें। सलाम किया, और सलाम किसे किया जाता है? जिंदा को, जिंदा ही को सलाम होगा ना। मैं अपने दोस्त के मिलने के लिए चला गया और उससे जाकर मैंने जब देखा उसके घर में कि खुदा ना खासता उस पर सफेद कपड़ा डला हुआ है, इंतकाल हो गया है और उसका जनाजा रखा हुआ है, और मैं जाकर कहूँ अस्सलाम वालेकुम, तो लोग क्या कहेंगे कि ये मर गए, ये मर गए, इनका इंतकाल हो गया, आप इन्हें क्यों सलाम कर रहे हैं? यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। जो हमने एक बहुत गलत रविश इख्तियार कर ली है वो ये कि हर बात में मासूम का तकाबुल गैर मासूम से करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि कहते हैं जब मोहम्मद हम जैसा तो जैसे हम जिंदा वैसे वो जिंदा, जैसे हम मर गए वैसे वो मर गए। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अब कहाँ से है रिसालत माब है कहाँ से? अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी से शुरू हो रहे हैं। जब अव्वल भी नहीं था ना तब से मोहम्मद था, लफ्ज अव्वल भी नहीं था। जब रिसालत माब का वजूद अकदस उनका नूर अकदस वजूद में आया है तो अव्वल हुआ है, यानी इब्तिदा वहीं से तो हुई है। तो क्या कहा जाता है? रिसालत माब थे। अब उलमाए कराम ने इसके एतबार से बड़ी बड़े दलाइल दिए कि कुरान इंसान जब अजान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, मोहम्मदुन अशहदु अन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह, ठीक है तर्जुमा करें इस जुमले का, क्या तर्जुमा है? मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। क्या तर्जुमा है इसका, इस जुमले का क्या तर्जुमा है? अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जो हो वो मर कैसे सकता है? अच्छा चले, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, मैंने जाकर सलाम किया, आपने कहा ये इंतकाल कर गए, आप इन्हें क्यों सलाम कर रहे हैं? तो जब मैं अपने एक मरे हुए दोस्त को सलाम नहीं कर सकता चूंकि इंतकाल कर गया है, आप कहेंगे मौलाना दीवाने हो गए या दीवानेपन का उनको एक पीरियोडिक दौरा पड़ गया है इसकी वजह से इनको सलाम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। और जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज में कम से कम 5 मरतबा तो ये कहता ही है, या 10 मरतबा तो कहता ही है, 5 मरतबा कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातो, मेरा आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकात हो आप पर ए नबी। तो अगर मोहम्मद मुस्तफा आज जिंदा नहीं हैं तो नमाज में इतनी मर्तबा किसे सलाम कर रहे हो? किसे सलाम कर रहे हो? किसे सलाम किया जा रहा है? ठीक। अच्छा, अब ये तो वो दलाइल हैं कि जो आजकल की जो मेंटेलिटी है ना कि रिसालत माब को इंसान आम लोगों के बिल्कुल लेवल पर लाकर खड़ा कर देता है, तो उसी मेंटेलिटी से जवाब दिया जा रहा है। जब ही तो आम लोगों की नमाजों का कहा जा रहा है, लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम रिसालत माब को सलाम करना इस बात की दलील है हर नमाज के अंदर कि दिल में मोहम्मद जिंदा है, जुबान पर मोहम्मद मर गया। और दिल और जुबान की कैफियत में अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए इसी को मुनाफिकत कहा जाता है, इसी को मुनाफिकत कहा जाता है। अच्छा, अब ये तो चलें, ये तो ठीक है, लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम हम और आप अपनी हर नमाज के अंदर, हमारी नमाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम ये जुमले ना कहें, हम ये सलाम के जो जुमले हैं तशहुद और सलाम, तो सलाम के जुमले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के साले बंदों पर भी हमारा सलाम, हम पर भी सलाम और अल्लाह के साले बंदों पर भी सलाम। तो हम और आप उनसे क्या तकाबुल करेंगे? ज़रा सुनिएगा, अब ये जुमला आ रहा है,
कि हमारी और आपकी नमाज में, हर नमाज में ये जुमला शामिल है। क्यों तशहुद पढ़ के नमाज ख़त्म नहीं होती? किसी की तशहुद पढ़ के नमाज ख़त्म हो जाती है कोई? जब तक सलाम ना पढ़े नमाज ख़त्म नहीं होती। और सलाम के हिस्सा, सलाम का ये जुमला हिस्सा है, उसका जुज है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लिहाजा हमारी और आपकी नमाज वो कि जो उस वक्त तक खत्म न हो जाए कि जब तक रिसालत बाप को सलाम न कर ले। अब आ जाओ मदीने मुनव्वरा, जब अल्लाह का हबीब, कायनात का रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है, अपने घर से निकलता है, पहले खाना फातिमा जहरा पर आकर खड़ा होता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुवा, तुम पर सलाम हो ए अहले बैत नबुवत, ए नबुवत की अहले बैत। हमारी और तुम्हारी नमाज वो है जो मोहम्मद पर सलाम के बगैर खत्म ना हो। मोहम्मद की नमाज वो है जो फातिमा को सलाम किए बिना शुरू ना हो। परवरदिगार अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू की रूह को शाद फरमाए, ये उन्हीं का पढ़ा हुआ नुक्ता कि जो मैंने आपकी खिदमत में हदिया किया। अब सलाम आपकी खिदमत में हमने अर्ज कर दिया सलाम, जब रिसालत माँ आए हैं तो आने के बाद क्या कहा, क्या फरमाया? इन्नी अजदो फी बदनी जोफा, ए मेरी बेटी जहरा, मैं अपने बदन में जोफ कमजोरी महसूस कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा, इन्नी अजदो फी बदनी जोफा, मैं अपने बदन में जोफ कर महसूस कर रहा हूं। तो बदन क्यों कहा और जिस्म क्यों ना कहा? इन्नी अजदोफी जिस्मी जोफा नहीं कहा है, इन्नी अजदोफी जिस्मी जोफा नहीं कहा है, बदनी जोफा। अब जाकर लुगत अरब में चेक कीजिए, बदन किसे कहते हैं, जिस्म किसे कहते हैं। गर्दन से लेकर पांव के नाखून तक क्या कहा जाता है? बदन। इन्नी अजदोफी बदनी जोफा। और जब इसी जिस्म के हिस्से में एक हिस्सा यानी के सर मिला लिया जाए उसे जिस्म कहा जाता है। रिसालत माब ने क्या फरमाया, इसीलिए कहा जाता है कि जरा सा अपनी अरबी की नॉलेज को बढ़ा लीजिए और फिर आप देखते जाइए, आप पढ़ते जाएंगे और आपको लुत्फ आता रहेगा कि परवरदिगार आलम ने क्या क्या लफ्ज, एक लफ्ज इस्तेमाल करके क्या फजीलत मोहम्मद मुस्तफा बयान कर दी और कितने बड़े एतराज को खत्म कर दिया। यहां पर हुजूर अकरम ने ये नहीं कहा इन्नी अजदोफी जिस्मी जोफा, इसलिए कि जिस्म में सर शामिल है और सर में दिमाग होता है। रिसालत में आपने फरमाया इन्नी अजदोफी बदनी जोफा, रसूल के बदन में तो जोफ हो सकता है, रसूल के जिस्म में जोफ नहीं हो सकता। यानी कि कभी भी, कल का जुमला याद है आपको, कल का जुमला याद है या नहीं याद है, 90 साल की उम्र में जाबिर को याद था कि बाकिरुल उलूम को सलाम अर्ज करना है। अरे 90 साल की उम्र में जब जाबिर को हिजियान और निसियान न हो जाए तो मोहम्मद मुस्तफा मनसबे नबुव्वत पर फाइज कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। इसीलिए क्या कहा हदीस किस्सा में, इन्नी अजदोफी बदनी जोफा, जिस्मी जोफा नहीं कहा है, जिस्म में जोफ नहीं हो सकता, जोफ का तसव्वुर ही नहीं है। और यह भी परवरदिगार आलम ने इसलिए रखा है ताकि ये ना समझ इंसान एतराज ना कर दे कि नबी तो मोजिजे पर चल रहे हैं। नहीं, नबी मोजिजे पर नहीं चल रहा है, नबी सारी जहमतों को बर्दाश्त कर रहा है ताकि तुम्हारी ही तरह की जिंदगी गुजार कर चला जाए, ताकि तुम लोगों की हिदायत कर सके। मगर जो जुल्म हुआ है इस मखलूक नूरानी के साथ, वो जुल्म ये हुआ कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे शमए रिसालत के परवाने उनकी इख्तिदा कर रहे हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते रुकू में रसूल जाए उससे पहले ये चले जा रहे हैं, ये चले जा रहे हैं रुकू में, जल्दी जल्दी रसूल से भी आगे आगे जा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि शायद रसूल का चेहरा चूके किबले की तरफ है तो पीछे नजर नहीं आ रहा। रसूल ने नमाज खत्म की,
इनकी तरफ मुड़े, कहा कि याद रखना ला तस्बिकूनी फिर रुकू, मुझ पर रुकू में सबकत ना करना, इसलिए कि इन्नी आलमो बिर रुकू एकुम व खुशू एकुम, इसलिए कि मैं तुम्हारे रुकू से भी वाकिफ हूं तुम्हारे खुशू से भी वाकिफ हूं। रुकू का ताल्लुक जाहिर से है, खुशू का ताल्लुक बातिन से है। अगर रसूल का चेहरा आंखें तुम्हारी तरफ न भी हो, ये याद रखना कि वो जैसे सामने से देखते हैं वैसे ही पीछे से देखते हैं। तुम में से कौन है जो ऐसा कर सकता? अच्छा, तो ये तो बात हो गई मोहम्मद मुस्तफा की। तो अब मोहम्मद का वसी और जानशीन भी वही होगा कि जिसकी निगाहों में इतनी ताकत हो कि जो वहां वहां देख ले कि जहां पर आम इंसान की निगाहें नहीं पहुंचती। यही वजह है कि बसरा में मेरे और आपके मौला अमीर कायनात मौजूद है। एक शख्स जब रिसाल जब मौला इमाम मौला मुश्किल कुशा ने ये कहा ना कि सलूनी पूछो जो पूछना है पूछो, तो एक शख्स मजमे से खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है या अली अना जिब्राइल, जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? बशर की शक्ल में आया, बशर की शक्ल में आया, खड़ा हुआ कहा या अली अना जिब्राइल, एक ये बता जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? मौला कायनात ने उसे जवाब देने से पहले एक मरतबा दाएं जानिब देखा, फिर बाएं जानिब देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, पुश की तरफ एक निगाह की, आगे देखकर कहा अंता जिब्राइल, कहा आपको कैसे पता चला या अबल हसन या मौलाया या अमीरुल मोमिनीन, आपको कैसे पता चला कि अना जिब्राइल? कहा मैंने जब दाएं जानिब देखा मशरिक की हदों तक निगाह पहुंच गई, जब बाएं जानिब देखा तो मगरिब की हदों को देखा, नीचे देखा ता तक सरा, ऊपर देखा फौक समा, पुश की तरफ देखा, जब कहीं नजर ना आया तो मैंने कहा अंता जिब्राइल। अच्छा, मैंने खुद रोका यहां पर, मैंने खुद रोका इसलिए कि मैं नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जब यह बात खत्म हो गई मरहबन बिका या अमीर अल मोमिनीन, और उसके बाद जिब्राइल ने परवाज की है, मस्जिद की छत फटी है और उड़कर जिब्राइल आसमान की तरफ परवाज करके चला गया। जिब्राइल ये मस्जिद की छत तोड़ने की जरूरत क्या थी? तो अजब नहीं के जवाब आए कि अगर मैं आम इंसानों की तरह से दरवाजे से चला जाता बाहर तो ये समझते कि शायद अली का कोई दोस्त आया था अली की फजीलत लोगों में फैलाने के लिए। मैं ऐसा करूंगा कि जो लोगों के जहनों में आ ना सके दीवार छत फाड़ कर आसमान की तरफ परवाज करके चला जाऊंगा ताकि मेरे मौला अली की फजीलत में कोई शक ना कर सके कयामत तक। बस ये जिब्रील का अंदाज था, मस्जिद फाड़ कर अली की फजीलत में शक होने से बचाया। वहां पर अल्लाह ने अपने घर में अली को बुलाया, दीवारें काबा शिगाफ्ता करके कयामत तक अली की फजीलत में शक होने के इम्कान को दूर कर दिया। खबरदार कोई अली की फजीलत में शक न करना। यहां जिब्राइल बसरा की मस्जिद की छत फाड़ता हुआ बता रहा और वहां खुद खाने काबा की दीवार फटकर बता रही कि ये अली है, यही वारिस है, यही अदना है, यही मालिक है, यही इस घर का सबसे ज्यादा हकदार है। जहां से चाहे आ जाए, दीवार से आना चाहे दीवार से आ जाए, अगर दीवार से अगर दर से आना चाहे दर से आ जाए। अब वो आपका वाकया सुना हुआ क्या? चलें, मैं यहां पर बात को रोकता हूं ताकि फिर मंजिल मसाइब पर हम जल्दी आए और फिर मातमदारी होना है। मैं अपने मातमदार भाइयों से हाथ जोड़कर कुछ दकीकों की इल्तिजा करता हूं कि बस मुझे पढ़ने दें दो तीन दकीके चार दकीके फजाइल और उसके बाद फिर मसाइब। कहां सुनने को मिलते हैं आजकल के इस पुराशोभ दौर के अंदर अली के फजाइल? तो तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी इनकार किया और ये कहा कि हम जैसा, तो फिर सलाम किस कर किसे कर रहे हो? सलाम किसे कर रहे हो? नमाज में सलाम किसे कर रहे हो? अच्छा, और अली इब्ने अबी तालिब का भी इनकार किया कैसे? अब हुआ यूं कि हम और आप जो हमारा जो अकीदा है ना, सारा का सारा अकीदा टिका हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। इसलिए कि अगर तुम अल्लाह को मान रहे हो तो किसके कहने से मान रहे हो? हम और आप अगर अल्लाह को मान रहे हैं तो किसके कहने से मान रहे भाई? हैं मोहम्मद रिसालत माब ने कहा, प्यारे नबी ने कहा अल्लाह है, हमने कहा बिल्कुल अल्लाह है। तो प्यारे नबी ने बताया अल्लाह है, हमने माना। हजरत आदम थे, किसने बताया? प्यारे नबी ने बताया। हजरत नूह थे, किसने बताया? प्यारे नबी ने बताया। इब्राहिम, प्यारे नबी ने बताया। इस्माइल, प्यारे नबी ने बताया। इसहाक, प्यारे नबी ने बताया। मूसा ईसा, प्यारे नबी ने बताया। जन्नत,
प्यारे नबी ने बताया, जहन्नम प्यारे नबी ने बताया, कौसर और सलसबील है नहीं है प्यारे नबी ने बताया, है ना। तो ये सब प्यारे नबी ने बताया, बताया है दिखाया तो नहीं ना, बताया है दिखाया तो नहीं। तो प्यारे नबी ने अल्लाह बताया दिखाया नहीं, आदम बताया दिखाया नहीं, नूह बताया दिखाया नहीं, इब्राहिम और इस्माइल बताए दिखाए नहीं, मूसा और ईसा बताए दिखाए नहीं, जन्नत और जहन्नम बताए दिखाए नहीं, कौसर और सलसबील बताए दिखाए नहीं। तो कमाल करते हो, जो बता रहा है मेरा नबी वो तो सब मान रहे हो, मगर जिसे बता कर भी और हाथों पर उठा कर भी दिखा रहा है उस अली पर ईमान नहीं ला रहे, कमाल करते हो। बस है आखिरी जुमला, तो जो बताया वो सब माना, या हमारा इफ्तिखार है, तो बताया भी दिखाया भी वो। अच्छा, साहिब निहाया ने अपनी किताब निहाया इब्ने असीर लिखते हैं कि ये जो जुमला है ना, अभी इनकार अली का इनकार करने वाले की भी कमाल देखें, कमाल देखें कि ये जो जुमला है ना कि नजर ओला वजह अली ने बाद अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये दरअसल अली के चेहरे ही को देखने की वजह से इबादत नहीं है। ये कोई फखरुद्दीन राजी जैसे आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग आलिम, बहुत बुजुर्ग आलिम। तो इन्होंने ये लिखा कि ये दरअसल अली के चेहरे को देखने की वजह से इबादत का है नहीं, वजह यह है कि जब अली मदीना मुनव्वरा के अंदर गलियों में निकल आते थे अपने घर से बाहर, तो जहां अली के चेहरे पर किसी की निगाह पड़ जाती थी तो वो ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता। ठीक, चार ही तरीके जुमले सामने आते हैं कि जब अली मदीना मुनव्वरा की गलियों में आते थे तो लोग चार में से कोई एक जुमला कहते थे बेसाख्ता अली के चेहरे को देखकर। तो ये चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे अली को, अली के चेहरे को देखते ही ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाता था, इस ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब है, ये अली के चेहरे को देखने का सवाब। ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अब जब अली की फजीलत के इनकार पर कोई आता है तो ऐसी बातें भी कर जाता है, इतना इल्म, इतना ढेर इल्म रखने के बावजूद भी। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शेख इब्ने असीर का कि उन्होंने निहाया के अंदर ये जुमला लिखा, इसलिए कि एक फजीलत अली का इनकार करने चले थे और चार अली की फजीलतों का इकरार कर बैठे, कहा अली अकरम है, अली आलम है, अली अशरफ है, अली अशरफ है, अशरफ अकरम अशजा आलम, ये तो चार जुमले। और मुझे ये बताइए हर नबी आया क्या काम लेकर, एक वन पॉइंट एजेंडा है हर नबी का। हजरत आदम आए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, हजरत नूह आए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, हजरत इब्राहिम आए ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देने के लिए, हर नबी आया जहमतें उठाई ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो वो काम जो अंबिया ने जहमतों से लिया, वो काम अली ने अपने चेहरे से ले लिया, काम अली ने अपने चेहरे से ले लिया। बस अजीजो, अब जो अली का वारिस है ना, उसका चेहरा अली का चेहरा है। हाँ, अली का वारिस कौन है? हुसैन। तो हुसैन का चेहरा अली का चेहरा है। और अगर तुम्हें हुसैन के चेहरे पर जख्म नजर आए तो समझ लेना ये हुसैन के चेहरे पर नहीं, अली के चेहरे पर है। और जिस हुसैन ने मुसल्ले पर बैठकर अली ने किसे मांगा? अली ने कभी कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा। जब मांगा तो ऐसी चीज मांगी जो अली की मुराद है। तो अली के दिल के अरमान का नाम है अब्बास। अच्छा, हुसैन भी है ना, हुसैन तो वारिस से अली है, तो हुसैन ने भी उसी तरह से अपने बाबा की तरह से मुसल्ले पर बैठकर कुछ मांगा है। तो हुसैन के दिल के अरमान का नाम है सकीना। अब अली के दिल के अरमान और हुसैन के दिल के अरमान के दरमियान आप रिश्ता तो जरा देखिए, ऐसा रिश्ता है कि चचा और भतीजी में जुदाई हो गई मैदान-ए-करबला में, मगर अब कयामत तक
मश्क और अलम को कोई जुदा नहीं कर सकता, ना अब्बास की अलम से मशकीजा जुदा होगा ना मश्क सकीना से अब्बास का अलम। चचा और भतीजा कयामत तक अलग, चचा और भतीजी कयामत तक अलग ही नहीं होंगे, अब तो साथ हो गए। हाँ अजीजो, यही वो भतीजी थी अब्बास के, कि जब खूली मलून आया है ना और गोशवारों को ऐसे खींच कर जुदा किया है कि कानों की लो कट गई, खून जारी हो गया, बच्ची ने फुरात का रुख करके कहा चचा अब्बास अपनी सकीना की खबर लो। दिल थाम कर सुनिएगा मसाइब, और जरा सा अपना दिल नरम करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे और आपके रिश्तेदारों के मसाइब नहीं है, ये मसाइब रसूल के घराने के मसाइब हैं, ये उस घराने के मसाइब हैं कि जिसके मसाइब हैं उसकी औलादों को रोने नहीं दिया गया, तमाचे मारे। ये बच्ची, यही बच्ची जिस तरह से इस बच्ची की दादी ने अपने बाबा रसूल पर रोने पर रोने के नतीजे में जुल्म बर्दाश्त किए, इस बच्ची ने करबला में तमाचे खाए। अच्छा, जब ये दरबार में पहुंचा है ना काफिला, तो यजीद ने एक मस्खरे को बुलाकर रखा था और वो चाहता ये था कि वो मस्खरा ऐसा कोई काम करे कि नाउज़ु बिल्लाह अहले हरम शर्मंदा हो जाएं। और उसने कहा कि देखो, तुमने आज ऐसा कोई काम करना है कि यहां पर सब जोर जोर से हंसने लगे। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम किस दिल से आप ये जुमले सुन रहे हैं। मस्करे ने कहा देख अब क्या मंजर है दरबार का, एक तरफ मेरा मौला बीमार इमाम खड़ा है, गले में खारदार तोक है, गले को झुकाया हुआ है, और दूसरी तरफ बेरिदा की बीबियां खड़ी हुई हैं, और एक रसन है जिसमें 12 गले हैं, मगर एक 4 साल की बच्ची है जो एक पांव उठाती है एक पांव रखती है, एक पांव उठाती है एक पांव रखती है, इसलिए कि सारी बीबियों का कद बड़ा है, ये बच्ची कोताह कद है। तो ये मस्खरा कहता है मैं जरूर जो तू चाहता है वो करूंगा, मगर इनाम में इस 4 साल बच्ची की तरफ इशारा करके अपने हाथों से कहता है हबली हाजिल जारिया, मुझे इस बच्ची को कनीजी में दे देना। वाह गुरबत, हाय वाह हुसैना। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने कहा फूफी अम्मा, मेरी रिदा छीनी गई, मेरा कुर्ता जला, मुझे तमाचे मारे गए, मुझे मेरे गोशवारे छीने गए, मुझे दुर्रे मारे गए, ताजियाने मारे गए। क्या फूफी अम्मा, अब मैं कनीज भी बनाई जाऊंगी। ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा बीबी ने ये कहा तुझे शर्म नहीं आती, क्या मोहम्मद मुस्तफा का नाम सुना है? कहा हाँ, मैं उन्हीं का कलमा पढ़ने वाला हूं। कहा जानता है ये बच्ची कौन है? अरे ये बच्ची उसी मोहम्मद मुस्तफा की नवासी है। जब ये जुमला सुना है अब गौर से सुन लेना, और जो गिरिया करना चाहते हो इन दो जुमलों में कर लेना, कोई आंख सूखी ना रहे आज की रात, इसलिए कि हुसैन की दुखियारी माँ फर्शियाजा पर आ चुकी है, अपने आस अपने रूमाल में तुम्हारे आंसुओं को जमा करना चाहती है। अच्छा एक रिवायत मैंने पढ़ी, सुन लो, एक रिवायत रुक के सुन लो, जरा अपना गिरिया रोको और सुन लो, कि जनाब सैयदा के बारे में एक रिवायत मिलती है, ये आंसू बीबी की मदद करते हैं। मुझे नहीं मालूम ये बीबी की मदद कैसे करते हैं, ये बीबी के जख्मों का मरहम कैसे बनते हैं। मेरा दिल कहता है शायद बीबी कभी उन्हें दुर्रे के जख्मों पर लगाती होगी, कभी टूटी हुई पसलियों पर लगाती होगी, कभी तमाचे के जख्म पर लगाती। एक मर्तबा जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने कहा तू जानता है ये कौन बच्ची है, शर्म ना आई, ये रसूल की नवासी है, जैसे ही मस्करे ने सुना एक मर्तबा मौला सैयद सज्जाद की तरफ देखा और कहा क्या ये बीबी सच कह रही है? कहा ये बीबी ऐसा ही है कि जैसे कह रही है। सर को हिला दिया मौला सैयद सज्जाद ने, बस ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा ये मस्करा दरबार से बाहर गया, अपने पहलू से खंजर को निकाला, अपने दो हाथों में से एक हाथ को काटा, कटे हुए हाथ को बीबी ज़ैनब के सामने लाकर कहता है ए बीबी ये गुलाम शर्मिंदा है, ये कटा हुआ हाथ
बाद इसी हाथ से मैंने शहजादी की तरफ इशारा किया था, वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह बजलूमा, मातम हुसैन।